तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो दोस्तों, आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है यूरो महादेश के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है आयरलैंड। हाँ दोस्तों, यूरो महादेश के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है आयरलैंड। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सबको जगह करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश का जो राष्ट्रीय झंडा जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया से रिश्ता कैसा है, क्या क्या पेपर होता है, सबको जगह करके हम डिटेल्स करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। गूगल मैप की मदद से फुल एशिया और बड़े स्क्रीन पर असल देश है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों, ये देश एक ऐसा जगह पर स्थित है जो 1 ईयर्स में जो है 1 वीक यहाँ पर जो है सूर्य यहाँ पर दिखा नहीं जाता है। तो दोस्तों, ये देश में जो है भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर गया था और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है इस देश में गया था। तो दोस्तों, ये देश की राजधानी में जो है सबसे बड़ा इंटरनेशनल जो एक संस्था मौजूद है, उस संस्था का नाम क्या है वो भी आपको मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये देश जो है जन्म नियंत्रण लेके जो है ये देश ने क्या रुख अपनाया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों, इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बिल्कुल आपको गोल पर सिलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों, दुनिया के अंदर 118 नंबर सबसे बड़ा देश, देश का नाम जो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश। तो दोस्तों, ये देश में जो है मोदी जी का जर्सी जो है इस देश में जो है बनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, दुनिया के अंदर 118 नंबर सबसे बड़ा देश, देश का नाम जो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जिसका आयतन और एरिया अगर हम बताएं तो दोस्तों 70.273 वर्ग किलोमीटर देश की टोटल आयतन या एरिया। मैं आपको दिखा रही हूँ लाल हिस्से से घुरा हुआ जगह जगह का नाम जो है आयरलैंड आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, लाल हिस्से से घिरे हुए वो जगह जगह का नाम जो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जगह की जो है बहुत सारा जगह जो है अटलांटिक महासागर जो है घिर के रखा है, और इसके पूर्व में जो है एक देश है, देश का नाम जो है यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन आपको नजर में आ जाएंगे। इस देश का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा लोग रहता है, इस देश की राजधानी डबलिन। हाँ दोस्तों, ये देश की राजधानी डबलिन में आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ा पोर्ट सिटी भी है। हाँ दोस्तों, ये जो है सबसे बड़ा पोर्ट सिटी आपको यहाँ पर नजर में आ जाएंगे। और इंडियन एम्बेसी और पाकिस्तानी एम्बेसी कहाँ पर है इसका भी लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, भाषा की बात करें तो आयरिश और इंग्लिश जो है इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा इस देश की राजधानी में स्थित है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा गूगल मैप के थ्रू, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। मैं आपको पोर्ट सिटी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों धर्म की बात करें तो ये देश जो है क्रिश्चियन में एक देश है। 85.1% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है, और यहाँ पर जो है बिना धर्म के लोग रहता है 10.1%। इस देश के मौजूदा प्रेसिडेंट उसका नाम जो है माइकल डी हिगिस, और इस देश की जो है टेनिस्टी उसका नाम जो है माइकल माल्टिन। तो दोस्तों, इस देश की जो चीफ जस्टिस आज के डेट पर उसका नाम जो है डोनेल। यहाँ पर देख लीजिए बड़े बड़े कंटेनर आपको नजर में आ जाएंगे। इस देश की पोर्ट सिटी में आपको दिखा रही हूँ सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा लोग रहता है, इस देश की राजधानी डबलिन में स्थित है, ये पोर्ट सिटी आपको नजर में आ जाएंगे। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश को जो है बहुत सारा नेशनल और इंटरनेशनल और बहुत सारा लोग जो है इस देश को जो है आयरिश कह के भी पुकारता है। तो दोस्तों, ये देश खुद को यूके से स्वाधीन कह के घोषणा किया है 24 अप्रैल 1960 में, और यूके जो है इस देश को इंडिपेंडेंट घोषणा किया है 21 जनवरी 1990 में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए वो देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ दोस्तों, ये देश की राजधानी डबलिन के बिल्कुल साइड में स्थित है। ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर असल पर आपको नजर में आ जाएंगे ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों, ये देश के संविधान आया है 1922 नया संविधान जो 6 दिसंबर, फिर संविधान आया है 1937 और एक नया संविधान 29 दिसंबर। तो दोस्तों, ये देश जो है कुछ दशक पहले ये देश जो है ब्रिटेन का एक हिस्सा था। तो दोस्तों, ये देश जो है दुनिया के अंदर एक ऐसी जगह पर स्थित है जिस जगह पर जो है 1 ईयर्स के अंदर जो है 1 वीक यहाँ पर जो है सूर्य नहीं देख पाता इस देश के नागरिक। यहाँ पर देख लीजिए देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ जो ये देश की राजधानी डबलिन के बिल्कुल साइड में स्थित है। तो दोस्तों, आयरिश की जो है पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी बच्चे हैं, इस देश के गवर्नमेंट जो है उस बच्चे के ऊपर जो है खास ध्यान रखता है। तो दोस्तों, जन्म नियंत्रण लेकर जो है ये देश जो है एक रुख अपनाया है, मतलब यहाँ पर जो है जन्म नियंत्रण की कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ जो है आप यहाँ पर खुलेआम बेच नहीं सकते हो, और जन्म नियंत्रण की कोई भी थेरेपी यहाँ पर बंद या कह सकते हो इलीगल। अगर धर्म इसके अंदर आ जाए तो दोस्तों और भी जो है ये देश जो है उसके ऊपर कड़ी से नजर रखता है। तो दोस्तों, देश की राजधानी डबलिन में स्थित है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एक कह सकते संस्था, वो संस्था का नाम जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ
ये देश के अंदर स्थित है। पाकिस्तानी दूतावास कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर देख लीजिए, पाकिस्तानी दूतावास बिल्कुल इसी जगह पर स्थित है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा इंडियन दूतावास कहाँ पर है, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, ये देश जो है यूरोपीय यूनियन का सदस्य, लेकिन ये देश जो है नाटो का सदस्य नहीं है। ये देश में जो है सेना बहुत जगह पर जो है काम किया है, और ये देश जो है शांति सेना हिसाब से जो है बहुत सारा जगह पर किया है, और ये देश की शांति सेना की भूमिका निभाया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इंडियन एम्बेसी कौन सी जगह पर स्थित है डबलिन के अंदर। हाँ दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की जो राजधानी डबलिन के अंदर कौन सी जगह पर स्थित है इंडियन एम्बेसी, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों यूरोप के अंदर जो है एक छोटा सा जगह है या अंचल है, एक देश है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उस जगह को या उस अंचल को या उस देश को जो है ये देश जो है देश के रूप से स्वीकृति दिया है, वो जगह या अंचल और वो देश का नाम जो है कोसोवो। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश कौन कौन से देश के साथ जो है अच्छा रिश्ता नहीं रखा है, या कौन कौन से अंचल के साथ जो है अच्छा रिश्ता नहीं रखा है। एशिया महादेश के अंदर आता है ताइवान, भूटान, फिलिस्तीनी, और अफ्रीका महादेश के अंदर आता है साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, सहारा यूरोप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनी, और अमेरिका के अंदर आता है सेंट लुसिया। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको एक एक करके हिस्सा दिखा रही हूँ। देखा हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये देश की जो है पूर्व की तरह जो है स्थित है एक देश यूके या ब्रिटेन, यहाँ पर देख लीजिए आपको पता चलेगा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश जो है ब्रिटेन का हिस्सा पहले था, लेकिन आप जो है ये देश ब्रिटेन का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों ये देश में जो है मोदी जी की जर्सी की कह सकते हो यहाँ पर जो है उत्पादन किया जाता है, क्योंकि मोदी जी के नाम उस जर्सी के पीछे यहाँ पर रहता है। मैं उसका इमेज भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जो मोदी जी के हाथ में जो है मोदी जी की जर्सी आपको नज़र में आ जाएंगी। इसके अलावा 1947 से जो है दोनों देश के बीच जो है रिश्ता शुरू हुआ है। हाँ दोस्तों, 1947 से जो है दोनों देश के बीच रिश्ता स्टार्ट हुआ है, और इंडिया की जो एम्बेसी इस देश की राजधानी डबलिन में मौजूद है, और इस देश की जो एम्बेसी भारत की न्यू दिल्ली, इसके अलावा बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में मौजूद है, और इस हाँ दोस्तों इंडिया पर रह के जो है ये देश बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका को जो है नेतृत्व करता है। मतलब ये चारों देशों पर जो है इस देश के राजदूत रही है, बांग्लादेश से जो है नेतृत्व करता है। तो दोस्तों ये देश में भारत की प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी इस देश में गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर जी भी जो है इस देश में गया था, और भी बड़े बड़े हस्तियाँ इस देश में गया है, और इस देश में इंडियन फेस्टिवल मनाया जाता है। तो दोस्तों इसकी पॉपुलेशन इंडियन कितने जाते हैं, और देश के नेशनल एंथम हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको नजर में आ जाएंगे, इस देश के नेशनल एंथम यहाँ पर दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखें आपको पता चलेगा, और ये देश की जो है ऑफिशियल नाम वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा इस देश की कैपिटल, सबसे बड़ा शहर डबलिन, भाषा आयरिश इंग्लिश, धर्म बात करें तो ये देश की धर्म जो है क्रिश्चियन समय देश है, 85.1% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं। इस देश की मौजूदा प्रेसिडेंट, टेनिस्ट और चीफ जस्टिस आपको नजर में आ जाएंगे। ये देश स्वाधीन हुआ है कौन सी जगह से, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा देश की पानी की बात करें तो 2.0%, इंडिया पर जो है 9% टोटल जीडीपी देख लीजिए 516 बिलियन, इंडिया पर जो है ट्रिलियन, कॉलिंग कोड देख लीजिए +353, यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा इस देश की जो है पॉपुलेशन 55 लाख इस देश की जो है पॉपुलेशन, और यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन जो है 25,000 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है, बहुत सारा इंडियन जो है यहाँ पर घूमने भी जाता है। तो दोस्तों ये देश दुनिया के अंदर कौन सी जगह पर स्थित है, ये यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप जब ध्यान से देखें आपको पता चलेगा। यूरोप महादेश के अंदर ये देश कौन सी जगह पर स्थित है और दुनिया के अंदर। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इंडिया और ये देश कहाँ पर है आपको नजर में आ जाएंगे, आयरलैंड और इंडिया। हाँ दोस्तों, और ये देश की जो है पॉपुलर जगह वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखें आपको पता चलेगा। हाँ दोस्तों, ये देश की पॉपुलर जगह मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों इंडिया से जो जो सामान इस देश में जाता है, वो सारे सामान जो है ड्रेस, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल सामान, और ये देश से जो जो सामान इंडिया आता है वो जो है साउंड की इक्विपमेंट, यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग मशीन, इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज़ जो है इस देश से आता है। इंडिया की तरफ से गया है जवाहरलाल नेहरू 1949 और 1956 में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1964 में गया है, और नीलम जंतिवा रेड्डी 1982 में गया है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2015 में इस देश में गया है। आयरलैंड में बहुत सारा प्रेसिडेंट और इस देश की जो है डिनेस्टी और चीफ जस्टिस आया है भारत की तरफ से, अगर हम देखें तो दोस्तों वो जो आया था 1948, 1978, 1993, 1984 और 2006 में। यहाँ पर देख लीजिए, बीजिंग में स्थित है आयरलैंड के दूतावास की इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, और इस देश के अंदर स्थित है इंडिया के दूतावास, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखें आपको पता चलेगा। ये देश जो है बहुत सारा प्रौद्योगिकी के साथ अच्छा रिश्ता रखा है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। ये देश जो है नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन यूरोपीय यूनियन का जो है ये देश सदस्य है, आपको नजर में आ जाएंगे। ये देश की राजधानी में स्थित है
जो राजधानी की जो डबलिन वहाँ की जो प्रतिक्षण वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा इस देश की जो है मौजूदा प्रेसिडेंट, मौजूदा टेनिस चीफ और मौजूदा चीफ जस्टिस उसका जो इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। और इस देश की जो है पॉपुलर आपको एक एक्टर्स नजर आ जाएंगे, हाँ दोस्तों पॉपुलर एक्टर्स। हाँ दोस्तों यहाँ पर जो भारत और इस देश का जो रिश्ता बहुत ही गहरा है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और मोदी जी के हाथ में जो है मोदी जी की जो है चार्ज से आपको नजर में आ जाएंगे, हाँ दोस्तों मोदी जी के नाम से जो है चार्ज से आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए इसके क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा ये देश के कितने राज्य है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखें आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश जो है कौन कौन सी जगह पर इस देश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ जहाँ ग्रीन सबसे ज़्यादा है इस देश की पॉपुलेशन उस जगह पर सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों ये देश कौन कौन से देश के साथ जो अच्छा रिश्ता रखा है आपको नजर में आ जाएंगे, वो देश जो है यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है। और जो जो देश यहाँ पर शामिल आपको नजर में आ जाएंगे उस देश के साथ जो उतने अच्छे रिश्ता नहीं है, आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ दोनों देश के बीच बहुत सारा बड़े बड़े एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा रिश्ता स्टार्ट हुआ है अफगानिस्तान से 19 सितंबर 2002 में, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी ये देश का रिश्ता स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा चाइना से जो है ये देश का रिश्ता स्टार्ट हुआ है 22 जून 1979 में, मालदीव के साथ इसका रिश्ता स्टार्ट हुआ है 7 दिसंबर 1999 में, म्यांमार के साथ ईद इसका रिश्ता स्टार्ट हुआ है 10 फरवरी 2004 में, नेपाल के साथ ईद इसका रिश्ता स्टार्ट हुआ है 19 अगस्त 1999 और श्रीलंका के साथ जो है ईद इसका रिश्ता स्टार्ट हुआ है 1996 में। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ यूरोप महादेश के अंदर स्थिर है एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के संपर्क सब कुछ, और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहले बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बिल करना चाहते हैं कॉल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।